अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको एक दफा फिर एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज के जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनका नाम भी अपनी बॉलिंग तरह यूनिक है और दूसरे मुझसे बेहतर फास्ट बॉलर हैं। लेकिन उससे पहले हम इन दो खूबसूरत मेहमानों को अपने पास बुला सकें, इसलिए बुला सकें कि मैं इनके साथ खेला हूँ। मुझसे बेहतर क्रिकेटर थे, मुझसे बेहतर लोग भी थे, और मुझसे बेहतर जो सबसे अच्छी चीज़ थी इन दोनों में, मुझसे बेहतर बैट्समैन थे। एक का नाम प्रोफेसर हफीज और दूसरा उमर गोल। वेलकम। आइए आइए। Good to see you, fella. Good to see you, Billy. Good to see you. Alhamdulillah. Aja, aja. Bad, bad, bad. Haji, kya hal hai? Thik thak? Mashallah. Fit fat? Alhamdulillah. Push? आपको देख के और खुशी होगी, आपको देख के और खुशी होगी। थैंक यू, थैंक फॉर कमिंग यार। थैंक यू गुली, गुड टू हैव यू माय जान, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सेम इज हियर। मीडिया में कभी हमारी इंटरेक्शन कभी ऐसी हुई नहीं है। मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि गुली की जो सर्विसेज हैं फ्रॉम 2005 टिल ऑनवर्ड्स फोर टिल 2010-11 तक, वो इमेंस है। आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ उमर गुल का। और दूसरा हफीजी, हफीजी को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, आई मीन लाइक राइट फ्रॉम द वर्ल्ड को। जितना ड्यू क्रेडिट हफीज को मिलना चाहिए वो आपको शायद पता नहीं है कि हमने बड़े बड़े मैचेस हफीज की बॉलिंग की वजह से जीते हैं, क्योंकि हफीजी पूरा बॉलर था और पूरा बैट्समैन था, पूरा कीपर भी था, पूरा फील्डर भी था, स्लिप फील्डर में भी करता था। लेकिन ये बातें सारी करने के बावजूद हफीजी पहला एक चीज और बता दें कि कम अज कम ड्रामा नहीं था। ड्रामा नहीं था। नहीं नहीं, एक 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 चीज़ हाँ, क्या पूरा कमेंटेटर भी था। कमेंटेटर भी था, ऐसे ही होना चाहिए। अभी जी हाउज लाइक आफ्टर सेमी रिटायरमेंट बट यू स्टिल प्लेइंग PSL? नो, आई डू प्ले व्हाटएवर कम्स इन इन अ वे टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टेज थी, आई लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, और इसलिए मुझे उसकी बिल्कुल कभी फील नहीं आई, बिकॉज आई लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो अब जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको मैक्सिमाइज करता हूँ, एंजॉय करता हूँ लाइफ को। क्या सेटिस्फेक्शन मिली खेल के और खेलने के बाद? देखें, जब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले तो आप अचीव करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए। वो मुझे लगता है कि मैंने अपनी हम्बल कैपेसिटी में कोशिश करके, आई वॉज नॉट वन ऑफ द वेरी टैलेंटेड पर्सन, लेकिन मैंने मेहनत की और मैंने इन तमाम स्टैट्स को पाकिस्तान के लिए हासिल किया। और जो अचीवमेंट मैंने की उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि कम अज़ कम मेरे नाम की वजह से, मेरी सर्विस की वजह से कभी पाकिस्तान का नाम नीचे नहीं गया। कभी कोई डैमेज नहीं किया मैंने पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को, पाकिस्तान की प्राइड को। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, उस पर बहुत खुश हूँ। अच्छा, अफीजी का ये स्टांस रहा है कि मैंने मैच फिक्सर के साथ नहीं खेला। ये स्टांस है, प्रिंसिपल स्टांस है, हो भी सकता है, मेरा भी यही है, होना भी चाहिए। वॉट उमर गुल स्टैंड फॉर, मतलब अगर उमर गुल की पर्सनैलिटी में कहीं यार इस चीज़ की स्टैंड करता है, मतलब वो कॉज भी हो सकता है, बॉलिंग भी हो सकती है, एटीट्यूड भी हो सकता है, रिवर्स स्विंग भी हो सकती है। एज आई सेड इट इन इंट्रो कि तुम मुझसे बेहतर फास्ट बॉलर थे, ये बात सच है। मैं नया बॉल तो मुझे करना ही नहीं आता था। वट उमर गुल स्टैंड फॉर नाउ डेज एंड बैक इन डेज? देखिए शुएब भाई, पहले तो जिस तरह फीज ने कहा कि जो जो इंसिडेंट जो कंट्री के साथ लाइक जो इंसिडेंट पास में हुआ है, मैंने खुद भी उस पर स्टैंड दिया था। इफ यू रिमेंबर, हफीज और थोड़ी सी ये तो कुदर इनका फ्रंट पे नाम आ गया, क्योंकि ये ज़्यादा वो मीटिंग में नहीं बैठे हुए थे। हमने मीटिंग से पहले हमने दो दफ़ा मीटिंग की थी, एक दफ़ा कदाफी में और फिर जो बोर्ड मीटिंग हुई थी। तो सेम ये स्टांट मेरा भी था कि जो कंट्री के साथ खेलते हैं उसको राइट्स नहीं बनता कि वो आगे रिप्रेजेंट करे। लेकिन जो उस टाइम पे वो जो लोगों की मर्जी थी वो खिलाना चाहते थे। इवन दो के उस टाइम पे हमसे मशवरा पूछा कि जो हमारे मैच विनर प्लेयर्स है वो आए हमें मशवरा दें, लेकिन हमारे वो जो राय था उसका ये जो जो वो कह देना कि जो जो हमारी से थी उसके कोई उस टाइम पे डिमांड नहीं था, और जो जो लोग चाहते थे कि उनको खिलाना चाहिए वो लेके आए। जबरदस्त। चलो लाइट करते हैं प्रोग्राम थोड़ा, क्या हो गया, किधर चले गए? अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट शुएब भाई, आपने अभी तारुफ करवाया कि उमर गुल आपसे बेहतर है, मैं और भी बहुत से आपसे बेहतर हैं, हालांकि हकीकत यह है कि आपसे बेहतर सिर्फ खामोशी है। अच्छा, मैं खामोश रह सकता हूँ, बोलने के पैसे मिलते हैं इसका। अच्छा, अभी जी, नाउ यू मैरिड, किड्स, यू हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ, यू हैव बीन एन एक्सीलेंट फादर, यू हैव एक्सीलेंट फैमिली, एंड हम अक्सर देखते हैं अभी जी बड़ा ब्रांडेड कपड़ों में रहता है।
हाँ जी, हमारी टीम ने बड़ी रिसर्च किया, तो ब्रांडेड कपड़ों में रहता है ये, जरा लोगो आप जरा पैन आउट करिए, जरा पैन इन करिए, जरा देखिए इनका लोगो शोगो बड़ा तगड़ा सड़क होता है। थैंक यू। पीजी इज अ वेरी ब्रांडेड काइंड ऑफ अ पर्सन, इज दैट ट्रू? आपकी बेगम और आप बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, जरा बच्चे भी आपके एक जैसे ही कपड़ों में गुची में नजर आ रहे हो। लाइफ की अचीवमेंट्स को इंजॉय करना चाहिए। yes. तो मुझे ये लगता है कि मेरी जिंदगी की जो भी अचीवमेंट है, मैं अपनी लाइफ को जो भी फैसिलिटेट कर सकता हूँ अपनी जिंदगी के अंदर, मैं उसको इंजॉय करता हूँ। सो अगर वो ब्रांड है या किसी कोई इसको कुछ गलत समझता है तो मुझे उससे कोई परवाह भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ। ट्रैवल भी करते हो शौक से फैमिली के साथ? करना भी चाहिए, फैमिली करना भी चाहिए। अच्छा, मी टाइम भी है तुम्हारा कोई कि नहीं? जी वो है, और सम टाइम अपनी बेगम को। मी टाइम क्या है? मैं अपने आप को खुद टाइम देता हूँ। लाइक अगर मैं घर पे सम टाइम अगर मैं फील करता हूँ तो मैं बेगम को कहता हूँ कि गो अवे फ्रॉम मी, गिव मी माय ओन 5 times 10 minutes, ताकि मैं अपनी मर्जी से उठूं, बैठूं, खाऊं, पीऊं। वाह वाह, अच्छा तकरीबन इसी तरह जो मी टाइम है उसके अंदर मैंने स्टार्ट किया रिसेंट पास में गोल्फ खेलना, तो जब मैं वहां जाता हूं आई फील वेरी कंफर्टेबल। बच्चे साथ होते हैं ना? सम टाइम, नॉट एवरी टाइम। ये जो हफीज ने जो वर्ड इस्तेमाल किया खेलने कि मुझे टाइम दो, गो अवे, गो अवे, लाइक मुझे 22 साल हो गए, हमारे एक साथ डेब्यू हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना फैमिली फ्रेंड्स और फ्रॉम द डे वन अभी तक फ्रेंड, अभी भी बच्चे मेरे लाहौर में है, इनके घर पे है, लेकिन कभी मैंने ना सुना ना मैंने कभी ये मौका मिला है कि हफीज ने कहा गो अवे, मुझे टाइम चाहिए ऑलवेज। मरगुल यार तुम भी जानते हो उसको, मैं भी जानता हूँ, हमारी अब ऑडियंस को पता लग जाना चाहिए कि जितना टाइम हमारा एक दूसरे के साथ गुजरता है ना, इतनी बेग में हमें इतना अच्छा नहीं जानती जितना हम एक दूसरे को अच्छा जानते हैं अंदर बाहर से। हमारी सारी एक्टिंग, हमारे सारे बोले सो कॉल्ड ड्रामे यस, और बड़ी सी चीज़ें मैं बात करना चाहता हूँ। गाली करनी भी नहीं है थे, सोचना भी नहीं। गुल्ली याद है ना कि हमारे टूर में जब हम मैच सीरीज आ रहा करते थे, पीजी को भी याद होगा, सबसे पहले चीज जो बैन करते थे ना वो बैग में होती थी जी। अच्छा, कुछ 4-5 ना हमारे सीधे लड़के खुद शिकायत लगा देते थे कि यार आप इनकी वजह से मैच हार गए, मतलब ब्लेम डाल देते थे। याद है तुम्हें वो वाक्य? जी जी जी, कुछ याद है ना कि हमारे टूर पे कुछ बैन हुई है कि यार खुद ही शिकायत लगा दी और यार बैग में यार ना दो, तो ब्याह ही नहीं सी होया मेरा, तो मेरा कभी इतराज था यही इतराज था उनको कि ये तो वेला तलेला फिरता रहता है, हम फंसे होते हैं। नहीं तो वो शेब भाई वो यहाँ यहाँ तो नहीं बैठा हुआ ना, वो कौन था, वो नाम बताए ना प्लीज। मैं बता देता हूँ, विक्की भाई एक शिकायत लगा देते थे। अच्छा हाँ, खुद ही बुला के खुद ही शिकायत ला देते। वसीम भाई मैं बता रहा हूँ, वसीम भाई ये तो हमसे पहले की बात है ना। हाँ, बहुत पहले जब हम आपस में खेल रहे थे और मैं जाके वो जाना बाहर पार्टी शार्टी करना खा पी के वापस आ रहा, ये फंसे होते थे बेगमों के साथ और रोटी पे लेके जा रहे कभी क्या कर लेते। वैसे विक्की भाई सॉरी वीडियो बोलो जी, आप शिकायत लगाते थे। अच्छा, और दूसरा विक्की भाई का हमें याद है। अच्छा, विक्की भाई का तो मैंने तो आइडियल है मेरे, तो मैंने तो उनको क्रिकेट देख के स्टार्ट किए, लेकिन एज अ कोच विक्की भाई से ज्यादा वर्स्ट बंदा मैं कभी नहीं, लेकिन ये बात वो अब मान गए हैं। हाँ, अब मान गए, अब मान गए ना। याद से बात करें तो वो कहते हैं कि वाकई मुझसे बेहतर डिसीजंस नहीं हुए दैट टाइम। अच्छा हाँ, और विक्की भाई हमें बहुत स्प्रिंट लगाते थे, गुल्ली तो बहुत फिट था बेचारा, 2010 में तो बहुत फिट था। 2010-11 बड़ी स्प्रिंट लगाई, आपको पता है वर्ल्ड कप से पहले जब न्यूजीलैंड पहुंचे थे तो वार्म अप में जो ना आपने कहा कि 30 स्प्रिंट उधर से पाने क्रिकेट ही ता छोड़ दी थी, यार मैं उनसे क्रिकेट खेल सकना, मैं जो 10-10 शटना लग देने नहीं ला सकता। 10-10 शटना विक्की भाई मैं नहीं लगा सकता था, और उस वक्त मैंने अपना दिमाग बना लिया था कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। लेकिन मेरी क्रिकेट ना खेलने की बड़ी वजह थी या रिटायरमेंट होने की बड़ी वजह थी। 2007 में मैं अपना रिटायरमेंट दे चुका था मेंटली, बट अगेन एक इंसिडेंट हो गया, उसके बाद दूसरा इंसिडेंट, देन आई हैड टू कम बैक एंड थैंक्स टू अफरीदी कि अफरीदी ने मुझे कहा कि यार नहीं तुम्हें खेलना आखिर तक, बट हमने आपके साथ भी खेलना है। लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सी यू बैक इन अ बिट, बाय। हमारा पुराना एक गाना है, सोना न चांदी ना कोई महल। मैं तुझको दे सकूंगा, एक लाख साहब का गाना है। वेल डन गुली।
वेलकम बैक द शोएब अख्तर शो 2.0। प्रोफेसर, नाम किसने दिया, क्या स्टोरी है? नाम तो छोड़ें, लेकिन इसके काम अच्छे हैं। काम बहुत अच्छे हैं, बोलते बहुत हो तो बड़े ओपिनियनेटेड हो तो। नहीं, इस इंटरव्यू के बाद तो लोगों को भी पता लग जाएगा। बहुत ओपिनियनेटेड हो। अच्छा, बैटिंग में ज्यादा मजा आता था बॉलिंग में, बी ऑनेस्ट? बॉलिंग वॉज वेरी मच नेचुरल, और बैटिंग के अंदर मैं, मुझे लगता है कि ओवर थिंक करके मैं शायद अंडर परफॉर्म रहा इन माई अर्लियर कैरियर। बाद में समझ आई क्रिकेट की कि इसमें कैसे ऑपरेट करना है, कैसे टेक्टिकली अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। गुली, आपका फेवरेट फॉर्मेट क्या? टेस्ट। टेस्ट? यस। अच्छा, ये तुम तो स्पेशलिस्ट बन जाते हो यार टी20 के। टू बी ऑनेस्ट शोएब भाई, मैं टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूं, क्योंकि एक तो आपको पता है कि आपके पास बड़े चांसेस होते हैं, ऑलवेज यू कैन कम बैक। लाइक अगर आपका एक स्पेल गंदा भी जाता है तो आप सेकंड, आपके पास चांस होते हैं कि आप कम बैक कर सकते हो। लेकिन टी20 में यह था कि ये लाइक जब 2007 में पहली दफा स्टार्ट हुआ, तो बड़ा अच्छा एक स्टार्ट लिया। एक तो हमें आइडिया था बचपन से, हम टी20 शॉर्ट लिमिटेड ओवर्स खेल के आ रहे थे, और प्लस एकदम से ग्लैमर और टी20 लोगों की पहचान और फिर परफॉर्मेंस भी होगी। लेकिन स्टिल जो फेवरेट फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट। राइट। ऑनेस्टली, क्या आप सोचते हैं कि हमारे जो बॉलर हैं 10 ओवर के बॉलर नहीं है? ये फेयर क्वेश्चन है कि 4 ओवर के बॉलर बन बन के हमारा से दूसरा स्पेल, तीसरा स्पेल या शायद चौथा भी छोटा स्पेल वो हमसे नहीं हो पा रहा है, इंजरीज आ रही हैं, और इसमें बच्चों का कसूर नहीं है। मैं बच्चों का कसूर मानता नहीं, कि पिछले साल वन डे आपने खेले कितने, 12, 13 या 14? बॉडी यूज टू ही नहीं है, और जब 10 ओवर करते हैं हारिस भी अनफिट हो गया, हमने देखा, नसीम भी हो जाता है, टेस्ट मैच में तो वैसे ही आप बाहर हो जाते हैं, तो क्या फेयर कॉल क्या है गुल्ली की नज़र में? एग्रीड विद यू, क्या इनकी अभी तो फिर भी थोड़ा सा ये कि वन डे क्रिकेट में थोड़ा सा सर्वाइव कर ले जो हमारे जो मेन 3 बॉलर्स है। लेकिन अगेन वही, जो मैं, जो भी मुझे एक जूनियर लड़का मिलता है या इवन जो जिन लड़कों के साथ मैंने 1-2 सीरीज किए भी है, तो ऑलवेज प्रेफर देम कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलो, 4-डे क्रिकेट खेलो, इवन दो अगर आप टी20 खेलते हो या वन डे, लेकिन 4-डे क्रिकेट एटलीस्ट आपके लिए ज़रूरी, क्योंकि एक जो आपके बॉलिंग मसल्स है, आपके जो रिदम है, ये सारा 4-डे क्रिकेट से आता है। तो आई थिंक दैट इज अनफॉर्चुनेट उन लड़कों के साथ कि ये प्रेफर करते हैं टी20 को। बट अगर उन्होंने उनको ऐसा फिजी बना दिया है, उनका भी कसूर नहीं ना, तो इन्वायरमेंट की प्रोडक्ट है ना वो भी, हमारे बच्चे, तो आप कैसे देखते हैं यार, आप क्या करें इसके लिए? अब वो ट्रैवल भी करते हैं, ट्रैवलिंग को काउंट में कोई नहीं लाता है फिजी, आपको पता है हम दोनों फास्ट बॉलर हैं, हमें तो गिट्टे गोड़े ज़्यादा सूझते हैं हमारे। ट्रैवलिंग को कोई काउंट में नहीं लाता, हमारी लॉजिंग को कोई काउंट में नहीं लाता, हमारे स्ट्रेसेस को, जो बॉडी स्ट्रेसेस हैं, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मॉरली स्ट्रेसेस, उस पर कोई काउंट में नहीं लाता, सब ये देखते हैं यार ग्राउंड में पहुँच गए। तो ये जो सारा सिनारी उन बच्चों के अराउंड है, सोशल मीडिया अलॉन्ग विद सोशल मीडिया, इसको कैसे पैन आउट करके देखते हैं यार? देखिए, आज की क्रिकेट में सोशल मीडिया हैंडलिंग तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप इससे दूर नहीं रह सकते। आप या तो फिर गारों में वापस चले जाएं, और अगर आपने आज की ज़िंदगी गुजारनी है तो सोशल मीडिया आपके साथ रहेगा। लेकिन इसको मैनेज करने के लिए स्ट्रॉन्ग हेड चाहिए, जिस जो अब्सॉर्ब कर सके सारे प्रेशर्स। लेकिन जो आप टी20 की बात कर रहे हैं, देखिए टी20 एक कमर्शियल लाइफ है, और हम सबको एट सर्टन स्टेज ऑफ द लाइफ हमें कमर्शियल पॉइंट उसको कंसिडर करना पड़ेगा कि वो ज़रूरी भी है। हमारे सबके कैरियर 2 साल फाइनेंशियल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर हम सब लोगों की क्रिकेट कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाती है। वी विल बी वेरी लकी कि हम लोग अगर 15 साल खेल लें अपने मुल्क के लिए, अदरवाइज 2, 5, 10 डिपेंड करता है कितना आपका कैरियर लंबा चलता है अगर आपको इंजरीज ना हो। तो उसमें प्लेयर के पास भी ऑप्शन है आजकल के दौर में, एक पैरेलल ऑप्शन इंटरनेशनल क्रिकेट के। आपके दौर में या हमसे पहले जो क्रिकेट खेल चुके हैं, उस वक्त सिर्फ एक ही ऑप्शन थी, एक टेस्ट क्रिकेट और थोड़ी सी वनडे क्रिकेट। लेकिन उसके बाद ये T20, T10 क्रिकेट आने के बाद ये इतनी ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलती हैं कि प्लेयर भी ये सोचता है और वो कैरिड अवे हो जाता है। सच बताना, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नीचे गई कि नहीं? क्वालिटी तो नीचे गई है। अब आप मुझे बताएं, एक प्लेयर का कसूर नहीं है, वो 50 खेलता है T20 और उसके 8 वनडे मिलते हैं पूरे साल में, बिल्कुल ठीक है। तो वो प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? वो तो T20 की बनेगी। उसकी प्रैक्टिस होगी 4 ओवर्स की, बैट्समैन की प्रैक्टिस होगी 15 से 20 ओवर में इम्पैक्ट डालने की। तो दैट्स द इशू वी नीड टू एड्रेस वेरी राइटली। और जब तक हम अपने टेस्ट क्रिकेट को, फेजी, जो अथॉरिटीज ये चीजें मनवा रही हैं, वो तो करवा रही हैं, ये तो बच्चों का कसूर नहीं ना। अगर वो प्रमोट करना चाहते टेस्ट मैचेस में इतना पैसा ले आओ ना। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि शोएब भाई, जब तक रेड बॉल क्रिकेटर को वेल फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, उसको पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के 4-डे प्लेयर्स को के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। जब मैं एक 4-डे खेलने का
और एक टी ट्वेंटी खेलने का इतना मैसिव फर्क होगा कि टी ट्वेंटी जो एक खेलता है वो इतने हाईएस्ट लेवल पे खेल जाता है और फोर डे पूरा सीजन खेल के आप उतने पैसे नहीं कमा पाते। तो आप इंस्पायर क्या कर रहे हैं? तो अपनी प्रोडक्ट को हमें राइटली जो है वो फैसिलिटेट करना है और उनको मजीद इंकरेज करना है कि वो बेसिक्स ऑफ द गेम जो फोर डे क्रिकेट के साथ आपको मिलती है वो खेलें। बेसिक्स ऑफ द गेम, बेसिक्स ऑफ गेम हमारे पास भी है जिसमें हमारे गेस्ट को एक सेगमेंट होता है यार जिसमें गेस्ट सॉन्ग करना होता है। हम सीरियस टॉपिक से थोड़ा सा डिबेट करेंगे। हम एक गेम खेलते हैं फीजी, इसमें स्क्रीन पे आता है कि तीन चीज़ें आती हैं, उसको कहते हैं गेस्ट सॉन्ग। Okay. तीन चीजों से गैस करके आपको यह बताना होता है कि यार गाना कौन सा है। Okay. बस वेरी सिंपल। अगर आप अगर मुझे ये बता दें, इसके लिए फिल्मी होने की जरूरत तो नहीं है, आप कुछ भी हो सकता है। अच्छा। फिल्मी भी हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, देसी okay. लगमा भी हो सकता है। आइए जी पहला सॉन्ग दिखाते हैं हफीज और उमर गुल को, दोनों जवाब दे सकते हैं। गेस्ट द सॉन्ग हमारा सेगमेंट है। गेस्ट द सॉन्ग है जी के ये गाना है मैडम मुसर्रत नजीर है। ये तो बचपन में सुना हुआ है। बचपन में सुना हुआ है। ये है हुन गा के सुना हुआ। वो सुना दे प्लीज। नहीं गाना तो नहीं आता लेकिन मुझे ये याद है बचपन में हम सुनते थे। क्या था? पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई वे। हाँ आगे जीरे वाले आ। यही है। हाँ हाँ। आई थिंक यही है। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई वे। इतना याद है। हाँ, लेकिन अगर मैंने गेस किया तो मुझे पॉइंट मिलने चाहिए। आगे ये क्या है? मेरा लॉन्ग गवाचा। वेल डन फीजी हमारा बड़ा तेज आदमी। गुली यू नीड टू गेस अनदर सॉन्ग के ये बताना पड़ेगा अगला गाना क्या है। जी स्क्रीन पे गाना लगाइए और हम देखते हैं कि अगला गाना क्या है। आंख समंदर और दिल। ओए, 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 ओए। ये मेरे मेरा ख्याल है खान साहब है। या। सात समंदर पार। मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। नहीं इसे सात समंदर किधर है? ये क्या बीच में क्या समंदर? ये समंदर है। हाँ। एक समंदर है ये। शफकत मान तली है। गुली तेरी बारी है। मुझे तो नहीं दोनों की है। शब्द मानते ही हैं और बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। सागर से नाम गाना शुरू होता है। चले कौन सा जी बता दे गाना। सॉरी जी ये नहीं पूछ सकते। आंखों के सागर में। चले शब्द मानते ही का गाना है। नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज पुट इट अप। सी वर रेज। गेस द सॉन्ग बाय हफीज। पतंग चरखड़ी और छत। पतंग बाज बलमा से भाई इतना आता आंखों आंखों में उलझी डोर। इतना बहुत है ना मैंने। हाँ, लगा पेचा तो मच गया शोर। तो दिल हुआ बो काटा। हफीज का दिल हुआ बो काटा। हमारी भाभी हमारी बहन देख रही है चीज, ये नजर रखिए। ये बॉक काटा करने में बहुत तेज है। नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करते हैं। अफीजी के दो पॉइंट हो चुके हैं। गुल्ली बिल्कुल नालायकी का मुजहरा करते हुए हमारे सामने पे जा चुके हैं। गुल्ली एक और आसान गाना तुम्हारे लिए हमने रख दिया है। पंजाबी म्यूजिक और गॉड नोस व्हाट। शेब भाई पहले तो मैं गानों के गेस्ट तो करें। खातून कौन है? और दूसरा जिन्होंने ये प्ले किया ना आई एम श्योर को उनको भी नहीं पता जितने मुश्किल ये ऑप्शन दिए। नहीं हमें पता है। चलो कोशिश करें। आपको हेल्प करते हैं। पहले प्ले में क्या नजर आ रहा है? दुल्हन है कोई। दुल्हन या दूसरे में म्यूजिक है। ये पंजाबी है। वो दुल्हन है। बताओ भाई इसको मिलाएं कैसे, कनेक्ट कैसे? ये किन सूबे की नुमाइंदगी हो रही है? पंजाब की है। आगे वो गाने में हो। म्यूजिक का सिंबल है। म्यूजिक ऑब्वियसली पंजाबी भी हो सकता है। ये देखे भंगड़ा डाल रहे नाच पंजाब में। सॉन्ग द न्यू वन जो जी घर लॉकेट और गोल्ड। पता नहीं क्या ये कैसे कनेक्ट करें घर को जेवरात को गोल्ड के साथ। सोना हमारा पुराना एक गाना है। सोना ना चांदी ना कोई महल।
Yes, absolutely. सोना ना चांदी ना कोई महल. मैं तुझको दे सकूंगा. इखलास साहब का गाना है. Well done, गुली. Next one, please. गुली ने एक पॉइंट हासिल किया है. क्या बात है गुली. लो जी, टिकट, गाड़ी और घर. पंजाबी है. बहुत इजी है. क्या? मैं टिकट के जावा. किते किते जावा? नहीं नहीं नहीं. हाँ हाँ. मैं टिकट के जावा. आ रहा आ रहा आ रहा. सही सही. बराबर होने वाला है. किन्हीं किन्हीं जाना है? बिल्लो के घर. टिकट कटाओ. टिकट टिकट. यार टिकट वाला. टिकट कटाओ. टिकट कटाओ. टिकट कटाओ. लेन बनाओ. टिकट कटाओ. लेन बनाओ. हाँ. असा तो जाना बिल्लो के घर. आगे नहीं हमने कुछ कहना. राइट जी, गुल्ली ने ले लिए हैं दो पॉइंट और विजी ने भी ले लिए हैं दो पॉइंट. मुकाबला इवन स्टीवन है. लेकिन आप कहीं ना जाइएगा. मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. कि आप बेगम के साथ इस तरह खुलम खुला कैसे बात कर सकते हैं? आपको आपको उसकी दो रीजन है. उसकी शेप दो रीजन. हाँ जी हाँ जी. एक तो मैंने जहेज नहीं लिया. ओहो. और दूसरा मैं अभी तक पकड़ा नहीं गया. वाह. ये था फीस. वेलकम बैक. शुएब अख्तर शो 2.0. मेहमानी गिफ्ट हैम्पर हमारे पास आ चुके हैं और हमारे पास एआई बॉल भी आ चुका है. ये सवाल करेंगे हमारे गेस्ट से. लेकिन ये सवाल होंगे हमारे हैम्पर्स के लिए. एक हैम्पर आपके लिए और दूसरा भी आपका हो सकता है. अगर गुल्ली जवाब देने नाकाम हुआ तो ये दोनों आप ले जाएंगे. अगर नहीं तो गुल्ली आप दोनों ये लेके जा सकते हैं. लेकिन ये मत भूलिए हमानी की वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपके सामने मौजूद हैं और स्पेशली स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स जो वाइड रेंज में फ्रेग्रेंसेस हैं वो भी मुहैया करती हैं. हमारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बढ़ाने के लिए ये फ्रेग्रेंसेस आपको बढ़ाता ताकि स्पोर्ट्समैनशिप आपकी बड़े और खुशबू आपसे आए. तगड़ी खुशबू आए. लिहाजा हम चलते हैं. हमारा ये एआई बॉल है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बॉल है. ये आपसे सवाल करेगा और सवाल का जवाब आपको देना होगा. मैं सवाल नहीं पूछूंगा, ये करेगा. ठीक है जी. चलें एआई गुल्ली से करें. कोई ऐसा फैन जिस पे आप गुस्से में आ गए हों? जी गुल्ली. ये शोएब भाई काफी दफा आई थिंक हुआ भी है. इग्नोर भी किया क्योंकि लोगों को जब फैमिली के साथ निकलते या ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ था. तो मेरा एक कजन आया था पिशावर से. हम लाहौर में थे, कैंप लगा हुआ था. तो मैं उनको लेके गया डिनर पे. तो पूरा फ्लोर फुल था. लाइक ऑब्वियसली लोग हमें प्यार भी करते हैं. तो वो वहाँ पे जो वेटर्स थे, जो लड़के थे, उन्होंने हमें टेबल दे दिया. हम बैठ गए आराम से, सुकून से ऑर्डर दे दिया. बैक साइड से एक दो लड़के आए तो कह रहे कि उमर भाई आपका ऑटोग्राफ चाहिए. मैंने कहा मोस्ट वेलकम. ठीक है. मैंने कहा पेन? तो अजीब सर आपके पास पेन ही नहीं, इतने बड़े सुपर स्टार हो. तो मैंने कहा मैं यहाँ पे क्रिकेट खेलना है यूनिवर्सिटी में. खैर एनी वे मैंने उनसे दूसरे कह रहे कि हाँ मेरे पास है. तो मैंने कहा दे दे. उसने कहा नहीं पहले आप मेरा ऑटोग्राफ ले लें. या तो लिटरली शोएब भाई ऑनेस्टली आपको पता है टेबल पे होता है ना सब टाइम मेन्यू के वो पेपर होता है. तो मैंने उठा लिया. मैंने कहा प्लीज़ आप मुझे ऑटोग्राफ दे दें. तो उसने कहा मैंने कहा इसमें कोई बात नहीं, ठीक है आप लोग. मैंने कहा आप पहले दे दें. मैंने ऐसे पीछे देखे तो कह रहे नहीं नहीं उससे ओके. उसने मुझे पेन भी दिया. मैंने कहा पेपर भी नहीं है आपके पास, पेन भी नहीं है. तो खैर नहीं उसी पे मैंने साइन किया. मैंने उसको दे दिया, दूसरे को पेन वापस कर दिया. तो जिसको मैंने ऑटोग्राफ दिया ना उसने कहा दूसरे को कि यार ज़रा मुझे दिखाए. तो शोएब भाई वो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा हुआ कि मैंने किसी फ्रेंड के साथ लड़ाई की थी. तो उससे लेके ऐसा ऐसा रोल करके ना वापस टेबल पे फेंक दिया. मारा भी उसको? बस वो फिर बाद में जो उसके साथ हो गए तो मेरी गड़ी टूट गई. तो खैर नहीं मैं फिर भी मैंने इग्नोर किया. तो जब मैंने पीछे देखा ना दो तीन स्टेप वो चला गया. तो उसने कहा हैं हैं कैसे किया? तो फिर आपको पता है कि फिर हम पठान और फिर गुस्सा किधर कंट्रोल होता है. बिल्कुल. और मैं पैंट लगाई. तो फिर मैं उसके पास गया हूँ, पीछे उधर गया हूँ. आठ बंदे थे. मैंने कहा मार तो मुझे भी पड़ेगी, लेकिन जिसने जो इंसिडेंट किया पहले उसको मैंने उसको रख के मारा. टेबल पे गिरे और रोने शुरू हो गए. उसकी दाढ़ी थी. तो ये एक इंसिडेंट हुआ. फिर बाद में मुझे दुख भी हुआ. लेकिन सम टाइम लाइक फैन भी कुछ ऐसे हरकत करते हैं कि जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. करते हैं, बिल्कुल करते हैं. और इग्नोर ही करना चाहिए. जी अगला सवाल एआई का हफीज से. कोई ऐसी क्रेजी फैन जो आपके पीछे ही पड़ गई हो?
वो तो अभी भी हैं। सच है? सच्ची गल है शेख भाई, मैं झूठ बोलने बैठा थे। नहीं नहीं, मैं आज भी हाँ, तो वो हैं अभी भी हैं। टेक्स्ट मैसेज आते रहते हैं, कभी पकड़ाई दी है टेक्स्ट मैसेज में आपको? नहीं, मैं फोन आपका पढ़ लिया। आप कहते हैं ना कि आप बेगम के साथ इस तरह खुल्लम खुल्ला कैसे बात कर सकते हैं? आपको आपको उसकी दो रीजंस हैं, उसकी शेप है, दो रीजन। हाँ जी, हाँ जी। एक तो मैंने जहेज नहीं लिया, ओहो, और दूसरा मैं अभी तक पकड़ा नहीं गया। वाह, ये था फीस। और यार ऐसे ये बहुत तेज है वैसे, प्रोफेसर साहब हमको वैसे नहीं कहते, प्रोफेसर बहुत तेज है। अभी आपको पता है ना कि हम अपनी जो ये गेम AI खेलते हैं, इसमें हम मौका भी देते हैं ऑडियंस को कि हमारे जो सिग्नेचर बैट्स हैं, आपके साइन, गुल्ली के साइन, मेरे साइन, ये भी साथ खेलते रहें। तो ये एक साइन आप अपना ज़रूर कर दीजिएगा इस पर, और इस पर नंबर फीस का लिखा हुआ है वो मैं आपको साथ शेयर कर दूँगा, सोशल मीडिया पर शेयर कर दूँगा आपको, और जितनी मर्ज़ी आप फ़ोन करना चाहें, बातें करना चाहें, आप कर सकते हैं। माइंड नहीं करता। थैंक यू गुली। हिमानी जो 75 साल से आपके लिए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपके लिए बना रहा है, स्पेशली स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस भी बना रहे हैं, और ये इसलिए कर रहे हैं कि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स को भी उजागर रखें, और इसके साथ साथ आपको वाइड रेंज के साथ एक ऐसी प्रोडक्ट दें जो अफोर्डेबल भी हो। ये हमारा अपना ब्रांड है, कीप सपोर्टिंग अस, बट हमारा सेगमेंट यहीं तक खत्म होता है। लेकिन गिफ्ट हैम्पर में सबसे अच्छा जवाब जो मुझे लगा है वो फीजी का था, क्योंकि ये पकड़ा नहीं गया, आज ये पकड़ा गया है। फीजी, थैंक यू वेरी मच, ये आपका है। और गुल्ली को हम ऐसे जाने नहीं दे सकते, क्योंकि गुल्ली हमारा शहजादा है, और इसमें ये है गुल्ली। हम इसमें एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें 2.0 प्रोग्राम की निस्बत से ये एक परफ्यूम बनाया गया है प्रोग्राम के लिए। सर नाइस, ये मेरा नहीं है, सो ये 2.0 प्रोग्राम के लिए बनाया गया, ये आपका है। सो ये यहाँ पे आपका गिफ्ट हैम्पर आ गया, और इसके बाद आप जाइए कहीं नहीं, क्योंकि हम एक छोटा सा रैपिड फायर जिसमें हम थोड़ी सी बदतमीजी करना चाहते हैं वो हम करेंगे। विल बी राइट बैक, सी यू गाइस इन अ बिट। तीन गंजे जो आपको पसंद है। पहले गंजा तब नहीं है, आई नो, कितना भीड़ लगता था उसका यार, है ना। आप रियाज, आप रियाज। वेलकम बैक जी, दुश्मन मुख्तार शो 2.0। जो सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं, पहले तीन सवाल आप दोनों से ही होंगे, रैपिड फायर है, एक सवाल आपसे, एक सवाल आपसे। वो ऐसे तीन काम जो सिर्फ रात में हो सकते हैं, वो क्या है हफीजी? वो तीन काम जो सिर्फ रात को ही कर सकते हैं आप, सो सकते हैं, आपको टीथ ब्रश करना चाहिए फॉर श्योर, टूथ ब्रश, ठीक है, और नमाज पढ़नी चाहिए अगर आप में टाइम अप। जल्दी बताइएगा गुल्ली, वो तीन चीजें जो सिर्फ आप दिन में ही कर सकते हैं, रात में करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो तीन चीजें क्या हैं? सबसे पहले आप चल फिर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चल फिर सकते हैं। रात में आप चल फिर नहीं सकते, सोए होते। वेरी गुड, वेरी गुड, मेक सेंस। जो 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 आपके दिन के काम है वो कर सकते हैं। दिन के कौन से काम? दिन के कौन से काम? मैच, क्रिकेट खेल सकते हो, क्रिकेट खेल, टेस्ट मैच खेल सकते हैं। नहीं, रात को सोए होते हो। लास्ट है आप, ये है कि आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? ये इसने पठानों वाली बात की यार। ऑफिस वर्क कर सकते हो, दिन ड्राइव कर सकते हैं। ये किसी का जवाब हुआ? तीन काम तो काफी सारे कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में बता दिया, 10 सेकंड। अच्छा, ये तीन गंजे जो आपको बहुत पसंद हैं, उनके नाम बताइए, कौन तीन गंजे जो आपको पसंद हैं? जो मुझे पसंद है, तीन गंजे, गंजे याद कर ले, गंजे 10 सेकंड, तीन गंजे जो आपको पसंद है, और अगर अभी ना हो तो वो पहले गंजे थे, अभी नहीं है। हाँ, गंजे ही, कोई बात नहीं। अच्छा, जो रहना नवीद और हसन, पहले गंजे था, अब नहीं है। आई नो, कितना भीड़ लगता था उसका यार, है ना। आप रियाज, आप रियाज। और हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर भाई वो हारून रशीद, हारून भाई, वेल डन भाभी, अच्छे कर रहे हैं यार, तूने बाल यार, है ना।
वो तीन जगह हैं क्रिकेट की वाली बताएं कि जहां आपको खेलने में सबसे ज्यादा मजा आता था, तीन ऐसे मुल्क जहां पे आपको खेल के सबसे ज्यादा मजा आता था अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। व्हाई? इंडिया के एटमॉस्फेयर, क्योंकि जब आप वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं वो होने को तो 70-80 हज़ार लोग बैठे होते हैं, जब आप परफॉर्म करते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, तो यू ऑल्सो विटनेस दैट मैनी टाइम्स। इंग्लैंड के अंदर जो एटमॉस्फेयर मिलता है आपको, लोग आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, एंटरटेन करते हैं वहाँ पे, जब आप ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो मज़ा आता है। और न्यूजीलैंड मुझे वैसे एज ए सोसाइटी बहुत पसंद है, न्यूजीलैंड ना, उनकी लिविंग सोसाइटी जो है ना, वो अगर आपने ज़िंदगी गुजारनी है, अगर आपने बाकी इंसानों में रहना है तो आप न्यूजीलैंड चले गए। लाजरीन, मैं आपको खबर बताना चाहता हूँ, हफीज़ ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड और अभी जो इनका दिमाग पढ़ के मैं बता सकता हूँ, हफीज़ न्यूजीलैंड शिफ्ट हो रहे हैं। इन्होंने पासपोर्ट अप्लाई कर दिया है, इनके पास तीन ऑलरेडी अप्लाइड पासपोर्ट हैं और माशाल्लाह इनकी वर्क। अच्छा, अगर ऐसी बातें करेंगे ना, 200 करोड़ पे है, ऐसी बातें करेंगे तो बातें मेरे पास भी बड़ी हैं। वही तो इसलिए बुलाया है, बताएं बताएं जी क्या है। चले जी, हम रेडी हैं, ब्रेकिंग न्यूज नीम बन जाएंगे, हर चीज फैलती जाएगी। अच्छा छोड़ो यार, अच्छा पांच चीजें, तीन से पांच होगी गुल्ली, वो पांच चीजें हैं जो मीठी हैं, नाम बताइए। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जो बर्फी, कलाकंद, आगे भी बता दें, जलेबी मिठाई, पांच हो गए। यू बीन अ ग्रेट फादर, यू बीन अ ग्रेट फ्रेंड, यू बीन अ ग्रेट ट्रू स्पोर्ट्समैन, यू वेरी पेट्रियोटिक पाकिस्तानी। इफ यू टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, होता है ना कि फिजी भी सियासत में आ सकता है, तो कभी सोचा है कि यार मैं भी सियासत में आऊं, मैं पॉलिटिकल फोर्सेस ज्वाइन करूं, प्रैक्टिकली हेल्प करूं और एक दिन मैं भी वजीर आजम बन जाऊं? देखें, आप सोसाइटी की में वैल्यू ऐड करने के लिए आपको पॉलिटिशियन बनने की ज़रूरत नहीं है, आप एक अच्छे इंसान बने और जहाँ पे आपको लगता है कि सोसाइटी को आपकी ज़रूरत है वहाँ पे जाके सपोर्ट करें उन लोगों को, अगर आपको अल्लाह ने ये सब कुछ नवाजा हुआ ज़िंदगी में, तो मैं ये ज़रूरत किस चीज़ की सोसाइटी को इस वक्त? मुझे लगता है कि नेम थ्री थिंग्स, तरबियत की ज़रूरत है, सबसे पहले तालीम और तरबियत के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब ये दो चीज़ें आप प्रोवाइड कर देंगे, रेस्ट विल बी, आई एम श्योर दैट विल बी वेल केयर्ड ऑफ बाय द पीपल, क्योंकि जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे, जब तक आप ट्रेनिंग नहीं सही तरीके से देंगे, सोसाइटी जो है वो डेवलप नहीं होती। गुल्ली, ना यू आर मैरिड गाय, यू आर कोचिंग, और अभी आप इस्लामाबाद ही रहते हो, आप पेशावर रहते हो या अभी आप इस्लामाबाद रहते हो? मैं इस्लामाबाद, पेरेंट्स मेरे पेशावर में हैं। ओके, सो हाउ आर यू फाइंडिंग आउट दैट सिटी? अच्छा लगता है आपको शहर, या आप कन्वीनियंट लगता है, या आपका होता ना पठानों का एक दिल होता है यार, मैं गांव वाला आदमी हूँ, मैं गांव में रहना पसंद करता हूँ, या तुम्हें इस्लामाबाद पसंद आता है ये, या मॉडर्न डे का गांव है ये भी? ऑनेस्टली स्टार्ट से मुझे पसंद था। अच्छा। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं शिफ्ट होऊंगा, लेकिन लाइक अगर 10-15 साल पीछे चले तो हालात काफ़ी सारे ज़्यादा ख़राब थे, तो हुआ ये था कि मैं जब प्रैक्टिस करने जाता था तो पेशावर के स्पेशली बहुत ज़्यादा हालात खराब थे, अम्मी अबू कह रहे थे कि आप थोड़ा सा कुछ देर के लिए आप शिफ्ट हो जाओ लाहौर या किसी दूसरे। ऑब्वियसली इस्लामाबाद पसंद था, मैं यहाँ पे आऊँ, शादी हो गई, फिर वाइफ का इंटर्नशिप था वहाँ पे, हो गए घर बना लिया। आपकी वाइफ डॉक्टर है जी? अच्छा, तो उनके इंटर्नशिप था, बच्चे पैदा हो गए, स्कूलिंग, तो अब आप वहीं के होकर आएंगे। यस, बट एनीवेज यार बिजी, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू। I mean, as I said it before, Afizi is a great friend. In times to come, मैं और Afizi a business partner भी बनना चाहते हैं, because a person like him, I should be my business partner. Or in times to come, you will get to hear the good news. You've been a great husband, thank you. Great teammate. You've been an excellent father, or most probably one of the true patriotic Pakistani I came across. Thank you. और जितने तुम दिल के साफ हो, अच्छे हो, याद रखना आखिर में तुम्हें कॉम्पनसेशन अल्लाह जरूर देगा। कॉम्पनसेट हुए भी हो, और भी कॉम्पनसेशन जो बोनस के साथ रहती है वो अभी बाकी है फिर। दैट इज गोना कम योर वे, मे गॉड ब्लेस यू विद एवरीथिंग, यू गेट व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ, एंड दैट इज गोना कम योर वे। गुल्ली, लेट मी टेल यू समथिंग, आई ऑलवेज बिलीव दैट यू आर फार बेटर बॉलर देन आई एम, और तुम, समी, आसिफ, जाहिद मैंने हमेशा रेट किया है, क्योंकि जो लोग दो तरह की स्विंग संभाल सकते हैं और फिर पुराना बॉल कर सकते हैं, आई थिंक ऑफ द लेंथ अगर उनको ज़्यादा पता हो तो आई थिंक दे आर फार बेटर बॉलर देन प्रॉब्ली। मैं तो टेयर हुए था,
तो डराने वाला था, लेकिन बट इट्स अ ग्रेट हैविंग यू गुली। तुमने 2007 का वर्ल्ड कप हमें जिता के दिया, क्लोज ला के दिया, मेरी बेवकूफ़ी थी मैं वापस आ गया। आपने 2009 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में आप पास ले गया जी, आप भी 2010 मुझे बड़ा क्लियरली याद है कि हम बैम डाउन एंड अबाउट और तुम अकेला जोर लगा रहे थे, बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान लव्स यू, आई लव यू एंड द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान स्टिल रिमेंबर्स व्हाट यू हैव डन फॉर अस एंड दिस इज अस फॉर टुनाइट, हफीज एंड गुली। आई होप यू लाइक द एपिसोड, वी आर गोना कीप ऑन कमिंग विद द न्यू एपिसोड, स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, गुड नाइट। तो अगर आपको फिल्मों में करने का चांस मिल जाए फिल्म करेंगे? गुड क्वेश्चन, लेकिन अभी मैंने सोचा नहीं है इस बारे में। चले कैमियो देना हो थोड़ा सा, ऐसे एंट्री देनी, मे बी अगर लाइफ उस तरफ चली जाएगी तो यू नेवर नो। जुल्फों का कोई बात, काली काली जुल्फों के फंदे ना डाल, काली काली जुल्फों फंदे ना डाल।